खबर समाचार में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबर, साइबर जालसाज करदाताओं को निशाना बना रहा है और आईटीआर दाखिल करने के नाम पर उनसे ठगी कर रहे हैं। साइबर अपराधियों ने ठगी का नया तरीका निकाला है। पहले बैंक खाताधारकों को निशाना बनाया जाता था, लेकिन अब आईटीआर फाइल करने के नाम पर खाताधारकों के खाते खाली किया जा रहे हैं। यह जालसाजों द्वारा खोजा गया ठगी का बिल्कुल नया तरीका है। जानकारी के मुताबिक साइबर अपराधी अब तक हजारों लोगों को अपना निशाना बना चुके हैं। डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल कर साइबर ठगों ने ऐसे खाताधारकों की सूची तैयार की है जिन्होंने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। सूची बनाकर साइबर जालसाजों ने इन लोगों को कॉल करके आईटीआर फाइल करने का दबाव बनाया। इस बीच गोपनीय या संवेदनशील जानकारी हासिल करने के बाद वे उनका बैंक खाता खाली कर वित्तीय धोखाधड़ी करते हैं। खाताधार को स्कैमर संदेश भेजकर अपने पैन और आधार डेटा को अपडेट करने का आग्रह भी कर रहे हैं। वे उपयोगकर्ता को यह कहकर धमकी देने का भी सहारा लेते हैं कि यदि उन्होंने नियम का पालन नहीं किया तो खाता ब्लॉक कर दिया जाएगा। साइबर अपराधियों को लेकर साइबर सेल और गृह मंत्रालय पहले ही अलर्ट जारी कर चुके हैं। डिजिटल यूजर्स को ऐसे फ्रॉड के बारे में जागरूक और सतर्क रहना चाहिए और आवश्यक सुरक्षा कदम उठाने चाहिए।